राजेंद्र प्रसाद, ओला उबर टैक्सी ड्राइवर। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस और वकीलों के साथ जो झड़प हो रही है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। बताइए, पुलिस वाले भी परेशान करते हैं हम लोग को और वकील भी हमें हम लोग को परेशान करते हैं। ये जब से गडकरी जी ने टैक्स का चलान का जो रेट बढ़ा दिया है, तब से तो पुलिस वालों का तो पूछिए मत, सोचिए लॉटरी लग गया है। छोटी छोटी बातों में परेशान करते हैं कि और पैसे मांगते हैं, मांगा पैसे मांगते हैं। सर बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसका दरवाज़ा खटखटाए, हमें कुछ समझ में नहीं आता। सर आप बताइए, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाए। पुलिस को बोलते हैं, पुलिस नहीं सुनता है, और वकील के पास जाते हैं, वो कहता है इतना लूँगा इतना लूँगा। इसलिए हम तो कहते हैं सर, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, ठीक ठाक इसको कीजिए और हम लोग को थोड़ा सा टैक्सी वालों को बख्शिए। अभी केजरीवाल जी ने ओला उबर को बोल दिया सर्च प्राइज नहीं लगाना है, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो हम कहते हैं सर, हम लोग का जो गाड़ी है ये 6 रुपये किलोमीटर में चलवा रहा है, तो केजरीवाल को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है कि टैक्सी का कम से कम जो मिनिमम फेयर होना चाहिए वो 16-20 और कम से कम 18 रुपये होना चाहिए। ये 6 रुपये में जो चलवा रहा है सर, उसके प्रति केजरीवाल जी को तो कोई सुनवाई नहीं दिखाई नहीं देता है। सर्च दिखाई दिया कि पब्लिक परेशान हो जाएगा, सर्च का पैसा ले लेगा, लेकिन टैक्सी वालों के कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप बताइए, हम लोग किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं, ये समझ में नहीं आता है। सर जी, आपसे अनुरोध है कि आप, केजरीवाल जी से अनुरोध है कि हम लोग के बारे में थोड़ा सोचें। और लेडीज़ के लिए आपने बस फ्री कर दिया, और हम लोग के बारे में तो एक पैसे के वैल्यू नहीं समझते हैं। अब बताइए, हम लोग क्या करें। मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग के प्रति भी थोड़ा सा सोचे। मैं वकील और पुलिस के बीच में जो झड़प चल रहा है उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये दोनों अपने अपने जगह पे तो ठीक है, ये किसी से दोनों में से कोई तो कम है नहीं। पुलिस वाला सोचता हमारे पास तो बंदूक दिया हुआ, हम किसी को भी कुछ कर लेंगे। वकील सोचता कि जज हमारा ही है, हम फैसला कैसे ही बदलवा लेंगे। तो भाइयों, इसका जो है शांति प्रिय से हल निकालना चाहिए, ठीक है। आम जनता तो परेशान हो ही रही है इसके चक्कर में, और क्या कहते हैं कि पुलिस जो है उनका भी सुनवाई हो और वकील जो है उनका भी सुनवाई हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारे कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं। अगर यदि यही ऐसा करेंगे तो हमारा देश का कानून कैसे चल पाएगा, कैसे चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। हम इसको फेवर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। दोनों पक्ष में समझौता हो जाना चाहिए बहुत जल्द ही जल्द। मैं शशि सेना ओला और उबर टैक्सी ड्राइवर हूँ। देखो जी, आजकल जो पुलिस और वकील के साथ हो रहा है, हमारे समझ से दोनों गलत है और दोनों अपने जगह पर सही है। दोनों को सरकार ने लाइसेंस दिया है आम जनता की सुरक्षा के लिए, दोनों और दोनों ही आपस में पावर का मिसयूज कर रहा है, वह बिल्कुल ही गलत है। हमारे घर में वकील भी है, हमारे घर में पुलिस ऑफिसर भी है। मैं दोनों में से मैं किसी को सही अपनी जगह पर दोनों सही समझता हूँ, और दोनों अपने जगह पर लुटेरे हैं। एक तरह से कानून के लाइसेंसी लुटेरे कह सकते हैं इसको। हम इसके भुक्तभोगी हैं, जहाँ जिसको जैसे मिलता है पुलिस को भी वो भी नबकस्ता लूटता है, जहाँ वकील को मौका मिलता है वह नहीं पकड़ता वो भी लूटता है, डरा डरा करके आम जनता। जनता तो दोनों से परेशान ही रहता है, कभी भी खुशी नहीं रहता, लेकिन दोनों के बिना भी काम के नहीं लड़ाई करता। में इसलिए जनता ही पीस रही है, जनता पीस रही है, ना कि पुलिस और ना ही वकील। आम पब्लिक का नुकसान, आम जनता परेशान हो रहा है, इसलिए दोनों आपस में बंद करके।